दंगल चैनल के सीरियल रंजू की बेटियां में रंजू की बेटी शालू का हो रहा है पुनर्विवाह, वो भी किसी और से नहीं बल्कि शालू के ही पति विशेष के साथ। असल में इससे पहले विशेष ने शालू की रजामंदी के बिना ही शालू से शादी की थी, लेकिन अब पूरे गाजे बाजे के साथ विशेष बन गए हैं शालू के दूल्हे राजा और सभी घर वालों के सामने थाम रहे हैं शालू का हाथ। नमस्ते, मैं हूँ शालू फ्रॉम रंजू की बेटियाँ शो, जो कि दंगल टीवी पर आता है सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे। तो शो में मेरी यानी कि शालू की होने जा रही है दूसरी बार शादी विशेष जी के साथ। तो दूसरी शादी का इनविटेशन आप सबको मिल ही गया होगा। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी शादी का। स्टार्ट करते हैं मेरा जो लुक था, जो मेरा कॉस्ट्यूम था उससे। तो मेरा शो में जो सेकंड मैरिज में जो कॉस्ट्यूम था वो बहुत हैवी था ज्वेलरी के साथ, और उसकी कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट 10 दिन की रही थी। तो सुबह से लेके, और हम आउटडोर शूट कर रहे थे, एक्सटीरियर था, धूप में शूट कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल था सुबह से लेके शाम तक उस कॉस्ट्यूम को कैरी करना ज्वेलरी के साथ। बट बिकॉज ऑफ माय होल यूनिट हो पाया। और शादी के बीच में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए हैं, जो कि आप लोगों को, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं नहीं बताऊंगी। शादी ऑब्वियसली पहले तो यही था, होगी नहीं होगी, देन कन्यादान कौन करेगा, उसके बाद कन्यादान के बाद गृह प्रवेश तक, पग फेरे तक, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। अब जबकि मैं विशेष जी के घर आ गई हूँ, तो मेरी जो सासू माँ हैं निर्मला जी, उनकी टॉर्चर शुरू हो गए हैं। तो मेरे लिए थोड़ा बहुत ही बड़ा ये एक शॉकिंग है, क्योंकि मैं ऐसे घर से आ रही हूँ जहाँ पे जो मेरी माँ है रंजू, उन्होंने हमें बचपन से बहुत प्यार दे के पाला है और बहुत ही पैम्पर किया है, और मैं एक ऐसे घर में आ रही हूँ जहाँ पे मुझे आते ही वो एक्सेप्ट नहीं करती है बहुत कुछ। वो आप सब देखिएगा कैसे वो मुझे टॉर्चर करेंगी। ऑब्वियसली इस घर में सिवाय विशेष के मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, पर ये सब कैसे होगा, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो वो आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, नई एंट्री भी है हमारे शो में, जो कि राजवीर है। राजवीर और बुलबुल की स्टोरी शुरू होने वाली है। विदाई वाले सीक्वेंस में बेहोश हो गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे से मैं रो रही थी, और वो रोना कहीं ना कहीं वो रियल भी था, क्योंकि मैं कभी अपनी रियल मॉम को भी इमेजिन कर रही थी, क्योंकि मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, दोनों की शादियाँ हो चुकी है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो मुझे बस अभी लगता है कि मैंने बहुत दूर दूर तक कभी शादी का नहीं सोचा है, बट क्योंकि शो में शादी हो रही थी तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरी रियल में हो रही है। और मम्मा है जो मैं रंजू मैम थी जो, और साथ में मेरे शो में अगर बोलूँ तो शो में भी मेरी बहनों के साथ और माँ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो एक सेट से दूसरे सेट पे जाना उसके लिए भी, तो हम सब ही एक्चुअली में रोने लगे थे, इवन हमारे डायरेक्टर सर भी रोने थे तो यूनिट पे भी काफ़ी लोग रोने लगे, क्योंकि बहुत अच्छा वो भी एक सीक्वेंस शूट हुआ है। आप सब देखिए, आप लोगों को मज़ा आएगा। मंडे टू सैटरडे दंगल टीवी पर रंजू की बेटियां, प्लीज देखिए, इसी तरह अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। नमस्कार, मैं हूं विशेष, और 25-30 बार हाँ ना करने के बाद शालू जी ने फाइनली हाँ बोल दी है मुझे, और मेरी शादी होने जा रही है शालू जी के साथ। आपको निमंत्रण पत्र मिल ही गया होगा, तो प्लीज़ आप अपने टीवीज ऑन रखिएगा मंडे टू सैटरडे 9:30 बजे दंगल टीवी पे, शालू और विशेष की शादी होने वाली है। बाकी शादी हम लोगों ने एक्सटीरियर में शूट की थी, आउटडोर शूट किया था, और सूर्य देवता बहुत मेहरबान थे हम पे, 42 डिग्री पे चमक रहे थे, और हमारे हैवी कॉस्ट्यूम्स थे, सर पे साफा था, माला थी, बहुत कुछ था, और हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो उनको रियल शूट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत ही हैवी था सब कुछ। जैसे मैं रियल लाइफ में शादीशुदा हूँ, तो ऐसा फीलिंग आ रहा था कि शादी फिर से होने वाली है। जो ये हमारे पंडित जी थे वो भी इतने कैरेक्टर में थे कि असली मंत्र पढ़े जा रहे, तो मैं तो डर गया एक बार में कि कहीं मेरी शादी दोबारा ना हो जाए शालू जी से रियल लाइफ में। तो बहुत ही मज़ा आया। हाँ, बस थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि कॉस्ट्यूम्स हैवी थे, और वो 8-10 दिन तक हमको शूट कंटिन्यूटी के लिए करना पड़ा, तो वो थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन बहुत मज़ा आया। ऑब्वियसली हाई वोल्टेज ड्रामा है हमारे शो में, आसानी से तो शादी होने देंगे नहीं हमारी। तो यहाँ से ललिता जी हैं, वहाँ से मेरी माँ है, तो
बहुत कुछ, बहुत प्रताड़नाएं ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं शालू जी पे और मेंटली मुझ पे भी होने वाली हैं। पंडित जी तो आग में घी डाल रहे हैं, वो भी मतलब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ ग्रह दोष है, वो है, ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब मिलके भी नहीं मिल पा रहे हैं शालू जी से हम। तो अभी एक महीने का हमारा वेटिंग पीरियड है, फिर शायद सब अच्छा होगा। और ये ड्रामा अनकवर तो कर नहीं सकता मैं, लेकिन आप इन्वाइटेड हैं मंडे टू सैटरडे 9:30 बजे दंगल टीवी पे रंजू की बेटियाँ, ज़रूर देखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं नया लुक मिला शालू जी को, शालू जी अब शालू जी जी हो चुकी हैं, तो बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा लुक मिला इन्हें। और प्लीज़ अभी क्या क्या इनके साथ होने वाला है इस शो में आगे आप देखिए। और प्लीज़ आप, हमारी शादी का सीक्वेंस शुरू होने वाला है, तो मंडे टू सैटरडे 9:30 बजे दंगल टीवी ज़रूर ऑन कीजिएगा और रंजू की बेटियाँ देखिएगा। मेरा लुक हाँ पूरी तरह से चेंज हो गया ऑब्वियसली। पहले मैं नॉर्मल अनारकली पहनती थी, बहुत ही लाइट सा रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट अभी मंगलसूत्र है, सिंदूर है, साड़ी है, साड़ी भी थोड़ा नॉर्मल जैसे मुझे पहनना रियल लाइफ में पहनना पसंद है वैसी नहीं है, बहुत अलग है, हैवी है। बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, आप लोग देखिए, प्यार देते रहिए।